बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बसमिल माई नेमरान अली सो so, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम अपनी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर कैसे फाइंड करते हैं ठीक है, है? लाइक अगर हम हमारे पास प्रोडक्ट है हमने कोई प्रोडक्ट फाइनल कर लिया है ठीक है इसमें यह था कि मैं आ, ये भी क्या सोच रहा था कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट हंटिंग पर ले कर बट मैंने फिर ये सोचा है कि प्रोडक्ट हंटिंग में आपका बार बार आपको मैं कहूँगा कि इसके इसका सप्लायर ढूंढने ठीक है इसके सप्लायर से कॉन्टेक्ट कैसे करना है सो so आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम कैसे अपना डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते हैं ठीक है थीके? और ये अमेजोन होल में ये बहुत ही एक क्या कहते हैं आपका एसेट है ठीक है एसेट स्किल है ये तो इसको आपने समझना है अच्छी तरह कैसे हम अपना आ, डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड ठीक है कैसे उसके पास जाते हैं और किस तरह उसको गूगल से गूगल एक ओपन बुक है ठीक है बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए तो इस पर ही आप इसको करेंगे फिर उसके बाद हम किसी और लेक्चर में देखेंगे सोशल मीडिया के थ्रू हम कैसे उस उनकी तक पहुंचते हैं ठीक है सो so, ये सबसे पहले मैंने बिल्कुल अभी आपका ये क्रोम ओपन की है ठीक है ताकि के बिल्कुल आपके इनिशियल लेवल से आपको लेकर आ जा, जा सके ये आपके पास एक गूगल ओपन है ठीक है सो so, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि अपना आ, Amazon आपने ओपन करनी है ठीक है Amazon UK को कर लें या कुछ भी कर लें यूएस ये आपने सबसे पहले Amazon को पेज ओपन कर लिया मेन पेज ठीक है अब यहाँ तक अब इसमें कोई इश्यू नहीं है सो नहीं। इसमें अब क्या करना है आपने अब हमने करना है कि हमने अपने सप्लायर फाइंड करना है किसी भी प्रोडक्ट के ठीक है थीक? ये देखें इसमें हम बिल्कुल रैंडमली जा रहे हैं कोई पहले कोई चीज नहीं है ठीक है ना कुछ इसमें प्री प्लान है बिल्कुल रैंडमली आपको एक आ, क्या कहते हैं न्यू जो होता है बिल्कुल एक न्यू बंदा है ठीक है जिसको किसी चीज का नहीं पता सो so, उसके लिए भी हम उसको स्टेप बाई स्टेप कैसे लेके चलना है उसमें इसको देखें तो आपको पता चल जाएगा ठीक है अब ये पेज ओपन हो गया अमेजोन का ठीक है इसमें ये आ, आपका मेन पेज है इसमें देखें ये सारी प्रोडक्ट जो इनकी डील्स में है ठीक है ट्रेंडिंग डील है और इस ऑलमोस्ट जो सब टॉप ट्रेंड की प्रोडक्ट हैं वो मेंशन है इसमें ठीक है सो so, हम इसमें अब फाइंड करते हैं किसी किसी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं कोई प्रोडक्ट हम ताकि मैं आपको उसमें बता सकूं कि कैसे हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचते हैं ठीक है इसमें देख लें कोई प्रोडक्ट भी कुछ आप सजेस्ट कर दें कुछ भी हम कर लेते हैं सो so, इस पे हम जाते हैं ये गेम्स की कैटेगरी है ठीक है सो so, अब इस प्रोडक्ट पे आप चले गए ठीक है मतलब किसी प्रोडक्ट पे भी आपको जब आपके पास प्रोडक्ट फाइनल होगी ठीक है उसमें आप अपने माइंड में वही रखें सो so, हम रैंडमली जा रहे हैं कि कैसे हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक एक कुछ भी ना पता होते हो तो कैसे हम उसको फाइंड करते हैं सो so, ये यहाँ पे हम गए ये आपकी प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था आपकी प्रोडक्ट की जो डिटेल होती है ऑलमोस्ट सारी आपको यहाँ से पता चल जाती है क्या है Uh, कितनी प्राइस है क्या वेट है कितने सैलर इसके साथ अटैच हैं ठीक है वो ये होता है ये छोटी छोटी चीजें हैं आप इसको माइंड में रखिएगा uh, ये न्यू एंड यूज है इसका मतलब कितने इसके साथ सेलर uh, अटैच हैं जो सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को ठीक है तो अच्छा उसके बाद ये आप देखें कि इस प्रोडक्ट का uh, ये जो uh, प्रोडक्ट है इसका uh, ब्रांड नेम क्या है ठीक है तो ये आप यहाँ से आपको पता चल जाएगा प्ले स्टेशन ये जो आपके ऑलमोस्ट ये स्टार से जो ऊपर आपका मेंशन हुआ होगा ना ठीक है वो आपका ये ब्रांड नेम होगा ठीक है आपके तो इस पे आप सबसे पहले इससे आपको ये हुआ कि यहाँ से हमने ब्रांड का नेम ले लेना है ठीक है इसी तरह आप किसी और को देखें इसके कोई और प्रोडक्ट्स भी तो so, सबसे पहले मतलब हम इसी पे जाते हैं ठीक है इसको हम कॉपी करते हैं ठीक है इसको जस्ट कॉपी कर लेना है और आपने न्यू टैब ओपन कर लेनी है ठीक है इधर सबसे पहले आपने क्या करना है आप यूके की मार्केट करें तो अपनी आपने, आपने सेटिंग कर लेनी है ठीक है यहाँ आप गूगल पे जाए सेटिंग कैसे करनी वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये आप राइट साइड पे बिल्कुल बॉटम में देख रहे होंगे ये सेटिंग ऑप्शन है यहाँ से आपने सर्च सेटिंग में जाना है और यहाँ से आपने ये रीजन अपना सेलेक्ट कर लेना है मेरा ऑलरेडी यूके का सेव है ठीक है सो आपने जिस मार्केट में आप आ, काम कर रहे हो उस मार्केट ये यूपी यूनाइटेड स्टेट है ठीक है सारी है यहाँ पे आपकी तो यहाँ से आपने आ, आ, अपनी जो रीजन है वो सिलेक्ट कर लेना है ठीक है उसके बाद सेव कर लेना है तो अब ये आपको रिजल्ट मतलब उसी स्पेसिफिक मार्केट के बताएगा ठीक है सो अब हमने वो जो ब्रांड कॉपी किया था ठीक है उस उसको हम पेस्ट करते हैं और सर्च करते हैं से. ये देखें टॉप पे ये ब्रांड आ रहा है अच्छा इसमें भी आपने जब इस पर क्लिक करना है ना ठीक है और इसमें आप क्लिक करें और आपने ये इसका देखना है कि क्या ये होल सेल हम प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं प्रोवाइड कर रहा है ये आपको इसकी जब फा, फाइनलाइज कर लेंगे फिर के बाद आप इसके जाएंगे अच्छा इसमें एक चीज आपने देखनी है इसके जो ये हेडर है ठीक है और ये जो फुटर एंड पे होता है ठीक है इसमें आपने दो कीवर्ड का देखना है होलसेल का ठीक है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर का कोई कीवर्ड मेंशन होंगे तो आपने उस पर जाना है ये आपकी एक टिप है कि आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूटर किसी ब्रांड के पास अः किसी ब्रांड की साइट पे कैसे अपने आपको होलसेल होल का सर्टिफिकेट देने के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करने के लिए से या तो वो मोस्टली मैंशन होगा आपका फुटर फुटर में ही होता है ठीक है या आपका हेडर में मैंशन होगा सो so, यहाँ पे आप देख लें ये सर्विसेज हैं सपोर्ट है ठीक है यहाँ पे इनका नहीं है तो हम फुटर में जाके देखते हैं ये सारे इनके लिंक्स हैं यहाँ से आप देख लें अगर आपको ये मुझे भी नहीं पता ये आ, कौन सा ब्रांड है ठीक है सो हम बिल्कुल रैंडम नहीं जा रहे हैं ताकि आपको इसमें कोई इशू ना हो ठीक है होगी hmm, अच्छा यहां पे इनका ये हमें कीवर्ड नहीं मिले थर्ड थिंग इज के आपने इनके का भी देखना है ठीक है कॉन्टेक्ट का फॉर्म अपने लिंक ढूंढना है अगर यहाँ पे इनका मिल जाए वो तो ऑलमोस्ट हर साइट पे ही होता है ठीक है यहाँ पे मुझे कुछ लिखने को मिला था फाइंड सप्लायर नहीं ये फाइंड आउट है सो सर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपके पास बल्क ऑफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए जब आप ब्रांड की तरफ जाएं ज, जैसे कि अभी हमें इसका कोई सोर्स नहीं मिल रहा ठीक है इसकी कोई होल सेल का कोई हमें लिंक नहीं मिल रहा ताकि हम इसके तक पहुंच सकें सो हम किसी और प्रोडक्ट को देख लेते हैं ठीक है ताकि जिसका हमें कुछ आइडिया हो जाए आप आ, इसको क्लिक कर लेते हैं हम यहाँ पे भी आपको अपने आप प्रोडक्ट को एनालाइज करने का पता होना चाहिए सबसे पहले टॉप पे आपका टाइटल होता है फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ब्रांड नेम होता है ठीक है ये विंडो स्विच इनका ब्रांड है ठीक है तो ये सारी प्रोडक्ट की डिटेल होती है ये जो ग्राफ आ रहे हैं ये एक्सटेंशंस हैं कुछ प्लगइन्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है ये इसको ये कीपा का है ठीक है ये सारी डिटेल हमें बताते हैं ये हीलियम की सारा कैलकुलेटर है ये सारा बट अभी हम अपने हमारा टॉपिक है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचते हैं सो so, वही तरीका आपने ये ब्रांड कॉपी करना है ठीक है एंड uh, आपने पेस्ट करना है यहाँ और तो इसको सर्च करना है ऑलमोस्ट आपको ना ये टॉप uh, पे भी मिल जाएंगे लिंक्स बट इनका अच्छी तरह आपने वेरीफाई कर लेना कि ब्रांड के, के वही कीवर्ड हैं जो हमने सर्च कर रहे हैं ठीक है ये देखिए इनका स्टोर अमेजोन पे है ठीक है सो हम इस पर अगर जाएं जी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ठीक है सो so, रिपोर्टर में आप जाके देखें सो so, यहाँ पे ये आप एक लिंक है हम इसके से जाते हैं वेयर टू बाय ये इनकी प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने मेंशन की हुई हैं ठीक है तो बट इस पे भी हमें कोई हमें वो नहीं मिला कि जिनसे हम इनके पास कॉन्टेक्ट इनकी कर सकें ठीक है सो so, इस तरह आपने सर्च करना है ठीक है ये नहीं कहना कि एक से नहीं मिला आप किसी और पे हम इसको आ, किसी और प्रोडक्ट पे लेके देख लेते हैं ठीक है थीके? ये सिंपल बिल्कुल अमेजोन का फर्स्ट पेज है कोई इसमें आ, मैंने कीवर्ड नहीं डाल के सर्च कर रहा ठीक है तो आप जैसे ये है बॉक्सर है इसको देख लेते हैं आप ठीक है ये कौन सी ब्रांड सेल कर रही है ये आर डी एक्स स्टोर है ठीक है तो इसको हम कॉपी किया और यहाँ पे हम सिंपली वैसे ही कर लेते हैं अब यहाँ पे देखें ये इनके हेडर में ये इनकी सेल्स हैं ये सारे इनके ऑप्शंस हैं मेन्यू में ठीक है ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है सो हम इसके जाते हैं फोटर में अब यहाँ देखें ये देखें ये आपके पास होल सेल का आ रहा है इसमें आपका आप कंपनी आप के बारे में विजिट भी कर सकते हैं बोट में जाकर इसकी सारी डिटेल देखें ठीक है उसके बाद होल सेल के ब्लॉग भी हैं ठीक है देखिए हम कितनी दफ़ा हमने ट्राई की है तीसरी दफ़ा हमें कोई आ, राइट इंफॉर्मेशन मिल गई है मतलब बात करने का ये कि आपने आ, ये नहीं कहना कि मैंने दो तीन कर ली है तो मुझे कोई इसका मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आपने अपनी प्रोडक्ट हंड्रेड टू हंड्रेड फाइनल करके उसका डाटा कलेक्ट करके ठीक है देन आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाना है ठीक है अपने ब्रांड के पास जाना है ताकि आपको ये डिसपॉइंटमेंट ना हो कि आ, दो आपके पास प्रोडक्ट हैं और दोनों ने आपको उनकी कोई सोर्सिंग नहीं आपको मिली ठीक है कोई उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं आपको मिली यही मतलब था बात करने का कि आपके पास जब बहुत ज्यादा होंगी तो उसमें कोई ना कोई आपको मैंने रेशो बताई अगर हंड्रेड है तो उसमें आपको टेन टू फिफ्टीन होंगे ठीक है जिनकी आपकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी फिर उसमें से कुछ टेन होंगे जो आपको रिस्पॉन्स करेंगे सो so इसलिए आपको कहा था कि आप हंड्रेड टू हंड्रेड अपना प्रोडक्ट का डाटा कलेक्ट करके ठीक है देन आप इसकी तरफ मूव करें ब्रांड की तरफ ठीक सो so, यहां पे हम होलसेल पे करते हैं इसका एक तो पता चल गया कि ये होलसेल यहां देखें या आप इस आ, में आपको एक तो आप इसके साथ डायरेक्ट भी जा सकते हैं ब्रांड के पास भी ठीक है सबमिट रिक्वेस्ट करें यहाँ से दूसरा आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटर का भी आ रहा है मैंने आपको कहा था होल सेल डिस्ट्रीब्यूटर ठीक है कॉन्टेक्टाक्स अगर ना ये दोनों मिल रहे हैं तो फिर कॉन्टेक्ट में देखें उनसे कॉन्टेक्ट करें ठीक है मेल करें उनको और उनकी सारी इंफॉर्मेशन होगी ठीक है सो अगर ये आपके पास है आप, आपका नेम ठीक है आपकी कंट्री ठीक है एंड आपका ये सारी मेल आपकी कंपनी की मेल ठीक है सारा कुछ इसमें आपने फिल करके सेंड करना है फिर आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है इसके पास भी आप इनकी भी कोई लिस्ट ये प्रोवाइड कर रहे होंगे ठीक है सो ये देखें यहाँ पे आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करके इनको सबमिट करना है ठीक है स्टॉक वैल्यू रिक्वायरमेंट ठीक है व्हाट डिस्क्राइब यू बेस्ट ठीक है अपने आप को एक ये भी आ जाता है कि आपको कुछ ब्रांड्स होंगे ठीक है जो अमेजोन पे ईबीए पे सेल नहीं करने देते ठीक है तो उसमें भी आपको थोड़ी सी डिप्लोमेसी तैयार करनी पड़ेगी कि कैसे हमने अपनी ब्रांड को सेटिसफाई करना है कैसे उनको हमने एग्री करना है कि वो हम पे ट्रस्ट करें और हमें हमारा सेल करने की हमें इजाज़त दें ठीक है तो वो भी मेरा एक आ, आगे लेक्चर है ठीक है कि कैसे आप ब्रांड के साथ कैसे कॉन्टेक्ट करते हैं ठीक है कौन सी डिप्लोमेसी उनके साथ लेकर चलते हैं ठीक है तो वो भी एक एकदा है बट ये ये है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर कैसे फाइंड करने क्योंकि इसके बाद हम, हमने जाना है प्रोडक्ट हंटिंग पे पे सो so प्रोडक्ट कोई भी आपको मैं टास्क दूंगा प्रोडक्ट फाइनल करके आपने उसके डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने हैं ठीक है इसलिए सबसे पहले मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड किस तरह हम ब्रांड के पास किस कहाँ से हम ब्रांड से कॉन्टैक्ट करते हैं ठीक है और डिस्ट्रीब्यूटर इसमें यह भी आप आप ये प्रेफर कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको मिल जाए वो भी आपका अकाउंट अप्रूव करवा देते हैं भी इसमें इतना कोई नहीं इशू होता ठीक है ज़रूरी नहीं आप ब्रांड के ब्रांड का मतलब किसी कंपनी के साथ आप बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो वो अगर उनका मैनेजर या कुछ भी उनका एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट वाले अगर आपको नहीं रिप्लाई कर रहे तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं ठीक है एक और भी ट्रिक है ठीक है वो मैं आपको बताता हूं जैसे ये आपकी आरडी डी एक्सपोर्ट्स है ना तो आपने सिंपल आर बी एक्सपोर्ट इस पे डिस्ट्रीब्यूटर ये देखे ना गूगल ने ऑटोमेटिकली आपको वो उसी पेज पे लेकर गए बट हम मतलब अगर आपको किसी प्रोडक्ट पर नहीं मिल रहा होता तो आप सिंपल गूगल पे आपने क्या करना है उस प्रोडक्ट का नाम ब्रांड का नेम

डिस्ट्रीब्यूटर uh, के पास जाना है या किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लिंक करना है ठीक है रिलेशन एक अच्छा बनाना है या ब्रांड से कैसे हमने अपना आपको uh, एक अच्छा रिलेशन बनाना है ये दो चीजें आपको आ गई तो होल सेल में आपको आपके पास uh, कह लें कि आप होल सेल का कुछ भी मतलब अपने uh, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं ठीक है बाकी इतनी चीजें uh, uh, ज्यादा क्रिटिकल नहीं है ये आपका है होलसेल में आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने हैं कैसे ब्रांड के पास जाना है ठीक है ब्रांड कहाँ से फाइंड करने हैं सो so, ये मैंने आपको एक बिल्कुल रेंडमली प्रोडक्ट हमने आप जैसे देख रहे थे हम एमेजोन के फर्स्ट पेज पे हम गए हैं तो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं पहली हमने की हमें कुछ नहीं मिला दूसरी की कुछ नहीं मिला तीसरी पे हमें उनकी इन्फॉर्मेशन मिल गई है ठीक है सो इसी तरह मुश्किल नहीं है बट आपने ट्राई ट्राई एंड अगेन ट्राई आपने करते रहना है तो आपको जरूर आप इसमें किसी ना किसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे ठीक है सो इसी तरह आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर सकते हैं ठीक है और आपको मैंने बताया कि आप गूगल करके भी गूगल से भी कर सकते हैं लाइक आप ज, आ, सिंपल डायरेक्ट क्यूरी लिखें अपनी ब्रांड का नेम और डिस्ट्रीब्यूटर इन यूके डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए अदरवाइज तो आपकी जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है कुछ बड़ी जो ब्रांड्स होते हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और वो जस्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ही काउंटर देते हैं ठीक है किसी हम अगर न्यूबी उनके पास जाएंगे ठीक है और मैं अगर आपको प्रेफर करूँ तो मैं यही कहूंगा कि ट्राई करें कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं ठीक है डिस्ट्रीब्यूटर से आप अपना अकाउंट प्रूव, प्रूव करवाएं ठीक है क्योंकि ब्रांड बहुत कोई मतलब ऐसा ब्रांड हो जिसका इतना पेट ना भरा हुआ हो ठीक है तो वो हमें इंटरटेन करते हैं अदरवाइज जो बड़े ब्रांड होते हैं तो वो तो बिल्कुल क्या कहते हैं हमें कुछ रिस्पॉन्स तक नहीं देते ठीक है आ, तो अगर हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे आपको स्क्रीन शेयर हो रही है जी सर ओके सो मतलब कि मैं आपको कह रहा था डिस्ट्रीब्यूटर ट्राई करें डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाए ठीक है बट अगर ब्रांड भी आपने खुद देखना है कि उसकी रेटिंग देखनी है कि क्या उसकी कितना वो बड़ा ब्रांड है ठीक है वो आपको पता चल जाएगा जब आप ब्रांड की तरफ मूव करेंगे ठीक है प्रोडक्ट आपको पता चल जाएगा एमेजोन पे कि ये कितना बड़ा ब्रांड है वैसे भी आपको गूगल पे सारा उसका आ, शो करवा देगा कि ब्रांड की क्या स्टैट्स हैं ठीक है सो ये एक वे था आ, हमने क्या सबसे पहले किया हमने प्रोडक्ट देखी ठीक है उस प्रोडक्ट के अंगेंस्ट हमने ट्राई किया कि उसका हम आ, उस प्रोडक्ट की जो है उसके ब्रांड तक पहुंचे ठीक है ब्रांड कहाँ से आपने देखना है मैंने आपको बताया है Amazon पे आपने जब प्रोडक्ट आपकी फाइनल हो जाती है ठीक है तो यहाँ पे आपका ये बिल्कुल स्टार रेटिंग से ऊपर आपका ये स्टोर नेम होता है ये मतलब यही उनकी ब्रांड का नेम भी होता है ठीक है तो आपने यहाँ से अपना उसको गूगल पे लेकर जाना है और फाइंड आउट करना है ठीक है अगर यहाँ से कुछ ना मिल रहा हो कुछ होंगे आपको नहीं मिलेंगे होता है ऐसे ठीक है तो आपने सिंपल उसकी ब्रांड का नेम ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूटर इन यूके यूएसए कनाडा जहाँ की भी आपकी मार्केट है तो आप इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक सोशल मीडिया की भी टेक्निक्स हैं फेसबुक पे ठीक है ये रिसेंटली कल की बात है ठीक है मुझे एक प्रोडक्ट थी मेरे पास काफ़ी अच्छी थी सो so, मैं गूगल से मुझे कहीं नहीं उसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही बट फेसबुक से फिर मैंने सोशल मीडिया से ट्राई किया तो मुझे उनका सोशल मीडिया ट्विटर्स के थ्रू में होता हुआ उनकी प्रोफाइल लिंकडन तक पहुँच गया तो इस तरह आपने वो भी है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे बट जो मेन आपकी है क्योंकि गूगल आपके पास बिल्कुल ओपन बुक है आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं यहाँ से अपनी ब्रांड का कुछ अगर आपके पास कीवर्ड रिसर्च आपको पता है कैसे फाइंड करना है ठीक है अब ये आपको पता होना चाहिए कि हमने कैसे लेकर कैसे गूगल पे प्रोडक्ट सर्च करनी है अपनी कोई भी क्यूरी लाइक कुछ भी है तो कैसे हमने फाइंड करनी है ठीक है इतना आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए तो आप ये मुश्किल नहीं है ठीक है थोड़ा टाइम वेस्टिंग है बट आपका जितना टाइम लगाएंगे आपको एक एक चीज में एक एक आ, क्या कहते हैं नाकामी में आपको आगे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता जाएगा कैसे कैसे और इस चीज में आपने एक्सपर्ट बनना है एक्सपर्ट बन गए तो आपके लिए होलसेल कुछ भी मुश्किल नहीं है ठीक है और दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं इसका एक मेथड ये है ठीक है एक है सेलर स्टॉक करना ठीक है वो आ, Uh, मतलब कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते हैं उसका दूसरा पार्ट है ठीक है उसको भी हम आज ही डिस्कस करेंगे तो एक बात मैं बता रहा था आपको कि अगर आपकी ये प्रोडक्ट हंटिंग विद ब्रांड अप्रूवल इन होल सेल जी आपकी एक प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं मिनिमम भी आपका जो होता है वो वन हंड्रेड डॉलर होता है इसका ठीक है क्योंकि मैं इसमें खुद हूँ मुझे पता है ठीक है हम लेते हैं सेल भी करते हैं कुछ काफी और भी स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं ठीक है तो ये है कि वो अपनी ऑलमोस्ट जी अच्छी प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट है ठीक है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे कितना उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है ठीक है कितनी उसकी सेल्स है ठीक है तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक विद ब्रांड अप्रूवल ठीक है अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर भी है प्रोडक्ट भी है तो मिनिमम बता रहा हूँ आपका वन हंड्रेड डॉलर का बजट होता है एक का ठीक है सो so, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपने अपने आप को यूटिलाइज करना है जितना आप इसमें कर सकते हो इसमें आप अपनी एक गूगल शीट बना लें या मैंने आप सपोर्ट आपका बताया था अपना डाटा कलेक्ट करते जाएं करते जाएं ठीक है ब्रांड के साथ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ सप्लायर जो भी आपके उनके साथ आप लिंक करें मेल करें ठीक है उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए और उनको अपना अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें कि हम आपकी सेल्स कैसे जनरेट कर सकते हैं कैसे आपकी सेल्स बूस्ट कर सकते हैं ठीक है और हम परमानेंट हैं ठीक है ये नहीं कि हम कुछ थोड़े अर्से के लिए आएंगे और फिर हमने हो जाना है वो आपको जो सारी एक डिप्लोमेसी है वो मैं और लेक्चर में बताऊंगा कैसे डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के साथ जो चीजें अख्तियार करनी है सो so, एक तो ये चीज थी अब एक और मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ बाद में आप क्वेश्चन आपने नोट कर लें बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे ठीक है सो अच्छा दूसरा ये था कि स्टॉक करना ठीक है आप लाइक like, लाइक like इसी को हम देखते हैं देखें ये हमारे पास एक प्रोडक्ट ओपन है ठीक है अब यहाँ पे कितने लोग इस पे सेल कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया था यहाँ से आप ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ठीक है भूलनी नहीं है आपने कहाँ से इस, इस बार बार इन वीडियोस को देखें ठीक है एक दफा नहीं समझ आती नहीं भी आती ठीक है बार बार इसको देखें कैसे कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज हम उसको ले रहे हैं ठीक है थीके? तो ये न्यू फ्रॉम ये जो हमारे पास कितने इस प्रोडक्ट के साथ जो है होल कर रहे हैं जो लोग अटैच है वो दो हैं ठीक है अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ये देखें एक तो ये आ, हैं ठीक है दूसरे ये बी टू फिटनेस हैं ठीक है दोनों बी टू फिटनेस ही हैं ठीक है अगर आप बी टू फिटनेस में जाते हैं ठीक है इनके स्टोर में यहां पे ये देखें अच्छा जो दूसरा वे था वो मैं आपको शेयर करता जाऊंगा वो ये था कि आप यहां पे आप उनके स्टोर पर आकर ठीक है Uh, मतलब इस प्रोडक्ट के साथ कितने ब्रांड हैं जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ठीक है अमेजोन पे तो वो यहाँ पे सारे आपको मेंशन हो जाएंगे ठीक है तो वहां से आपको ये भी एक आपके पास पता चल जाएगा ब्रांड uh, आपके पास सारे मेंशन हो जाएंगे आप ब्रांड मतलब ब्रांड हंटिंग तो आपने कर ली ठीक है आपके पास सारे ब्रांड शो हो गए फिर आपने ब्रांड के पास जाना है uh, तो वो एक अलहदा सीन है ठीक है इसमें एक है हम कोई और देखते हैं जिसमें ज्यादा ब्रांड हों ठीक है ज्यादातर सेलर्स से में बैठे हूँ सो so, कोई और देखते हैं हम प्रोडक्ट ये सिंपल आपका अमेजोन का फर्स्ट पेज है कोई हम इस पर अपनी मर्जी की प्रोडक्ट नहीं कर रहे ठीक है रैंडमली है बिल्कुल है एक न्यू बिल्कुल एक ले मैन भी अपने आप को इस चीज में लेके आ सकता है ठीक है कोई मुश्किल नहीं है ठीक है जस्ट टाइम है अगर आप टाइम देंगे तो आपको आप चीज़ ले लेंगे कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा ज़रूर इसमें सो so, अच्छा इसमें कुछ एक चीज़ें आती हैं कैटेगरी वो बाद में डिस्कस करते हैं इसको हम देखते हैं इसके साथ कितने अटैच हैं तीन ठीक है प्राइस है इसकी फाइव पॉइंट नाइन नाइन ऑलमोस्ट सिक्स पाउंड है ठीक है अच्छा यहाँ पे आप देखें इसके साथ भी तीन है कुछ ज़्यादा नहीं है ठीक है तो ये एक है वर्कआउट फॉर लेस एल है ये सेल कर रहा है ठीक है दूसरा सेल कर रहा है यूके मटेरियल आर्ट्स एंड फिटनेस डिस्ट्रीब्यूशन है एक ये सेल कर रहे हैं ठीक है सो so, यहाँ से अगर हम इसमें जाते हैं अगर इस पर हम क्लिक करते हैं ये मेथड ये था कि आप सेलर को स्टॉक करते हैं ठीक है उनसे आपको आ, पता चल कितने सेलर और उनकी ब्रांड्स का पता चल जाता, है आपके सारे ब्रांड जिनके पास ये प्रोडक्ट है आपको नज़र आ जाती है ठीक है यहाँ पे इसको क्लिक कर रहे हैं आपने ये देखें ये सारी ब्रांड्स आ रही हैं ठीक है थीके? ये नोस्टिंग है शॉक डॉकर है ठीक है शू है एडिडॉस है ये एडिडास रिबो के बहुत बड़े ब्रांड हैं सो इनकी बिल्कुल तरफ नहीं जाना आपने बिल्कुल स्किप कर दें इनको ठीक है सेंचुरी है इसकी तरफ भी नहीं जाना आपने तो बाकी आप सारे इन इन ब्रांड को विजिट कर सकते हैं ठीक है सो so, एक ये वे था कि आप सेलर स्टॉक कर स्टॉक करते हैं ठीक है, है? ब्रांड आपके पास देखें एक प्रोडक्ट से आपके पास इतने उस प्रोडक्ट के कितने ब्रांड हैं ठीक है वो आपने देख लिए अब इनसे आपने कैसे इनके पास जाना है ठीक है कैसे अपने आपको अकाउंट इनसे लेने हैं वो आपको पता होना चाहिए मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं ठीक है सो so, ये भी यहाँ पे देखना है कि ब्रांड का लेवल जरूर